इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर अमेठी जिले की अमेठी तहसील से है, जहां आज अमेठी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिवक्ताओं ने हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर हुई बर्बरतापूर्ण की गई लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपजिलाधिकारी महोदय अमेठी के माध्यम से ज्ञापन दिया। ज्ञापन देते हुए अधिवक्ताओं ने निम्न मांगों को रखा। नंबर एक, अभिलंब 48 घंटे के अंदर उपजिलाधिकारी हापुड़ पुलिस अधीक्षक हापुड़ व क्षेत्र अधिकारी हापुड़ का स्थानांतरण हापुड़ से कहीं और किया जाए। नंबर दो, दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ अभिलंब मुकदमा दर्ज करवाया जाए। नंबर तीन, जो घायल अधिवक्ता हैं उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। नंबर चार, उत्तर प्रकरण की न्यायिक जांच स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए मौके पर मौजूद तहसीलदार श्री अभिषेक यादव को ज्ञापन सौंपा गया और निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही की मांग की गई। सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय सरकार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अमेठी जनपद अमेठी आज दिनांक 30/8 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अमेठी बार एसोसिएशन अमेठी के एक बैठक पहुंची गई, जिसमें हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण की गई लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए अधोलिखित मांग की गई। अविलंब 24 घंटे के अंदर जिलाधिकारी हापुड़, पुलिस अधीक्षक हापुड़ व क्षेत्र अधिकारी हापुड़ का स्थानांतरण हापुड़ से अन्यत्र किया जाए। नंबर दो, दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ अविलंब मुकदमा दर्ज कराया जाए। नंबर तीन, जो घायल अधिवक्ता है उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। नंबर चार, उस प्रकरण की न्यायिक जांच स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।